जय हिंद, मैं जैद खान, INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की सुपर फास्ट टॉप 9 न्यूज के साथ। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान का रविवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया। यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूर दब गए। इनमें एक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दिन दहाड़े पंचायत के दौरान पिता पुत्र की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गई। हिमाचल के सोलन जिले के कसौली में एयरफोर्स जवान ने बैरक के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना अन्य कर्मियों ने दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के चंबा जिले के बनीकेट खैरी मार्ग के धरती लहाट के समीप कार हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार देर रात पेश आया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मुश्किलात के बाद शव को खाई से निकाला। थाना ईसानगर क्षेत्र में 13 साल की किशोरी से हौसी दरिंदों ने पहले सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसे दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के दर्ज इस मामले में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ग्रामीण क्षेत्र के गगाहा इलाके के शिवपुर गांव में भूमि विवाद में अधिवक्ता राजेश्वर पांडे की गोली मारकर रविवार की सुबह हत्या कर दी गई। आरोप है कि पाटीदार ने गोली चलाई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रविवार की सुबह SOG और कोतवाली पुलिस टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश सहराज को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाश की फायरिंग से एक सिपाही घायल हो गए और बदमाश सहराज भी पुलिस की गोली से घायल हुआ है। KGMU के डॉक्टरों ने 8 साल के बच्चे की बाएं आंख में घुसी खपरेल निकालकर दाईं आंख और ब्रेन बचाकर उसे नई जिंदगी दी है। खपरेल दाईं आंख से 1 मिलीमीटर दूर थी जबकि बच्चे की बाएं आंख खराब हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए INN टुडे। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल INN टुडे एंड प्रेस द बेल आइकन।